आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TVS Raider 125 के बारे में, जो कि इस गाड़ी में आपको दो और नए वेरिएंट TVS देने वाला था, लेकिन ब्रांड ने गाड़ी में आपको दिए टोटल एक वेरिएंट, जो कि अभी आपको मिल जाता है डिजिटल मीटर प्लस आपको मिलता है सिंगल डिस्क। तो इस गाड़ी में आपको दो और वेरिएंट मिलने वाले हैं जो कि ब्रांड ने ऑफिशियली रिवील किया था। एक भाई आपको मिल जाएगा ड्रम, जिसमें कि आपको कोई भी डिस्क का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और भाई एक आपको मिलेगा सिंगल डिस्क, और भाई साथ ही आपको मिल जाएगा TFT का कंसोल, जो कि आपको मिलेगा 7 इंच के डिस्प्ले के साथ। तो इन दो गाड़ियों के बारे में कुछ अपडेट सामने निकल के आई है, जो कि आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो भाई जो आएगी रेडर न्यू मॉडल, उसमें भाई आपको काफ़ी सारे चेंजेस मिलने वाले हैं, जैसे कि भाई गाड़ी में आपको बिल्कुल ही नए कलर्स देखने को मिलने वाले हैं आने वाले कुछ टाइम में। साथ ही जो है ब्रांड इस गाड़ी में आपको और भी ज़्यादा अपडेट्स करके देगा दिवाली के टाइम तक, भाई ये गाड़ियाँ लॉन्च हो जाएंगी। और भाई इसमें जो है अभी आपको ग्राफिक्स नहीं मिलते हैं, तो इसमें आपको ग्राफिक्स भी कंपनी एड ऑन करके दे देगी। बाकी भाई गाड़ी की जो पूरी फेयरिंग है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, फेयरिंग आपको बिल्कुल सेम मिलेगी, आपको सिर्फ जो फीचर्स हैं वो आपको अलग मिल जाएंगे। बाकी जो है ब्रांड भाई इसमें आपको दे देगा ड्रम ब्रेक का भी ऑप्शन, जो कि वो आपको काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा भाई, जो कि वो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज होगी। और भाई वो गाड़ी आपको लगभग देखने को मिल जाएगी 85,100 रुपये की दिख जाएगी एक्स शोरूम, जो कि भाई कंपनी ने ये प्राइस वेबसाइट पे लिख के रखा है, जो कि भाई ये प्राइस है ड्रम वाले वेरिएंट का। और भाई जो अभी आपको मिलता है वो आपको मिल जाता है 92,700 रुपये का एक्स शोरूम, जो कि भाई डिस्क वाला वेरिएंट है। और भाई इसका एक और रहेगा वेरिएंट, जो कि होगा TFT कंसोल के साथ, वो भाई आपको मिल जाएगा लगभग 1,00,000 रुपये का एक्स शोरूम, जो कि भाई वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और इसका भाई जो होगा टॉप मॉडल, उसमें आपको मिल जाएगा TFT का कंसोल, जो कि भाई इसमें आपको मिल जाएगा स्मार्ट एक्स कनेक्ट, भाई साथ ही इसमें आप जो भाई अपना मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर लो भाई, जिससे कि आपको मैसेज कॉल सब कुछ आपको दिखाएगा ही, साथ ही भाई इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर पाओगे भाई, जो कि आपका 3 डॉक्यूमेंट वो गाड़ी ईजिली सेव कर लेगी। बाकी जो है भाई इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे भाई, कंपनी जो है कंसोल में आपको शायद 32 फीचर देने वाली है, जो कि भाई कंपनी ने लॉन्चिंग के टाइम पे दिखाया था। और भाई वो गाड़ी आपकी आवाज़ से भी काम करेगी, और भाई वो आपसे बात भी करेगी, जैसे कि आप बोलते हो हेलो राइडर तो वो आपको रिप्लाई दे देगी डिस्प्ले पे लिख के। बाकी भाई आपको जो है डिस्क में भाई आपको ABS का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा भाई, जो कि इसका होगा टॉप बाई वेरिएंट, उसमें आपको डिस्क ब्रेक के साथ आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाएगा। बाकी इसका जो सॉकर है, जो टायर है, जो इंजन है, जो डायमेंशन है, जो वेट है, भाई इन सब में आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाले भाई, गाड़ी जो है डिट्टो सेम होगी, सिर्फ आपको मिल जाएंगे नए फीचर्स, और भाई आपको प्राइस कम भी मिलेगा और आपको ज़्यादा भी मिलेगा वेरिएंट के हिसाब से। बाकी भाई गाड़ी में आपको कलर्स मिल जाएंगे, बाकी भाई जो इसका मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है वो तो अभी भी आपको मिल जाता है, वो तो आपको मिलेगा ही। बाकी जो है भाई आपको छोटे मोटे चेंजेस देखने को मिल सकते हैं भाई, जैसे कि इसमें आपको LED का लाइट मिल सकता है, जो कि इंडिकेटर आपको इसका LED का मिल जाएगा कुछ नए अपडेट्स में। तो भाई आप लोग चाहो तो इस गाड़ी का वेट कर लो भाई, ये गाड़ी लॉन्च होने वाली है दिवाली के टाइम तक का, तो भाई वेट तो बनता है आने वाली नई रेडर 125 का, जो कि आपको मिलेगी TFT कंसोल के साथ, और भाई आपको ड्रम ब्रेक का भी मिल जाएगा वेरिएंट जिनका बजट कम है। तो भाई लाइक कर दो वीडियो को, और जो चैनल है आप इसे भी कर लो सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई यही एक छोटी सी अपडेट्स निकल के आई थी, बाय।